और ये प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो बहुत ही खास दिन है इन लोगों के लिए, मंडिया के लोगों के लिए। जैसा कि मैंने बताया, अब प्रधानमंत्री का काफिला जो है आगे बढ़ेगा गेजलगिरे जो मथुर में है, और इस जगह से करीब 15 या 16 किलोमीटर की दूरी पर जो पब्लिक रैली होगी, जो प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, यहाँ से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन प्रधानमंत्री जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इस आईपी सर्कल से, फिर प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे संजय सर्कल पर, और यहाँ पर भारी मात्रा में किसान है। देखिए, मंडिया कृषि प्रधान इलाका है और किसान उनका स्वागत करने के लिए आज पहुंच रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इन किसानों के लिए एक सम्मान की बात है। केंद्र सरकार ने किसानों को किस तरह से उनकी आय दुगनी करने के लिए फ्लैगशिप स्कीम तैयार की है, तो किसानों में कुछ हद तक खुशहाली है। और जैसा कि मैंने बताया कि मंडिया वो डिस्ट्रिक्ट था कुछ समय पहले, यहाँ पर सीरियल सुसाइड केसेस यानी आत्महत्या की कहानियां सामने आती थी, किसान लोन के बोझ में दबे रहते थे। तो ये तमाम चीजें अब खत्म करते हुए केंद्र सरकार ने किसानों को एम्पावर किया है। किसान सम्मान निधि के तहत कई किसानों को उनके खाते में डायरेक्ट डीबीटी के जरिए उन तक पैसा पहुंचाने का प्रयास किया है, एक राष्ट्रीय स्कीम किया है। तो ऐसे में यहाँ के किसान, खासकर मंडिया के किसानों की राय जो है बहुत अहम होती है। तो ये तमाम किसान और मंडिया के लोग जो है प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, और काफिला आगे बढ़ रहा है और भारी मात्रा में लोग